दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरा स्कूल का नाम मिशनरी आर्ट सेंटर है। आप सबको एकेडमी आर्ट में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आप सबका प्यार ही है जो आज हमें इस जगह पर पहुंचाया है। आप सबको धन्यवाद। आज मैं आप सबको मेरा स्कूल का छोटा छोटा लिटिल लिटिल जो आर्टिस्ट है उनसे मिलाऊंगा, जो बहुत ही खूबसूरती से ड्राइंग को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कितना मन लगा के वो अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस टैलेंट को, इन बच्चों को तैयार करने का जिम्मेदारी मिला है। मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे और अच्छी तरीके से सीखें और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप को तैयार कर पाएँ। यहाँ पर जितना सारा बच्चा है सब मिशनरी आर्ट सेंटर का ही है, जो नियामतपुर में स्थित है, ऑपोजिट अग्रवाल नर्सिंग होम। आप अगर चाहें तो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना मन लगा के अपना काम करना चाहता है और अपना टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है, और उसमें इतना खुशी मिलता है कि वो अपना खुशी को बयान करने के लिए उतावला रहता है। जिसमें मैं भी कुछ छोटा छोटा होमवर्क उन लोगों को देने का कोशिश करता हूँ, इजीली और लाइव करके दिखाता हूँ कि वो अपना जो आर्ट वर्क है वो इजीली घर में प्रैक्टिस कर पाए। जिसमें अभी जैसे कि ये पम ट्री हम बनाने का कोशिश कर रहे थे, ये किस तरह से फर्स्ट स्टार्ट किया जाए और वो किस तरह से उसको ख़त्म किया जाए। तो इस ड्राइंग में अभी सिर्फ स्केच हम कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चा थोड़ा सा सीखे। स्पीड है, वीडियो थोड़ा स्पीड हम कर दिए हैं, आप लोग अंत तक देखिएगा, ताकि समय तो बहुत कम रहता है कि कम समय में हम लोगों को बहुत सारा ड्राइंग्स और पेंटिंग्स दिखाना पड़ता है। मेरा कोशिश यही है कि बच्चे सीखें, और मेरा टारगेट भी यही है कि वो मन लगा के सीखें। बहुत जगह से बच्चा आता है मेरा स्कूल मिशनरी आर्ट सेंटर, जहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग ही सिखाया जाता है, और ड्राइंग एंड पेंटिंग रिलेटेड जितना भी सारा चीज़ें हैं सिखाया जाता है। यहाँ पर आप नियामतपुर में आसनसोल सिटी के अंदर, ये नियामतपुर जगह है, ऑपोजिट अग्रवाल नर्सिंग होम चित्रंजन रोड, वहाँ पर ये प्लेस है। और एक तो आइकॉन है हम लोग का स्कूल जहाँ पर है, वहाँ का ये डैडी ग्राउंड। आप लोग आ सकते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है। तो बच्चे बहुत बहुत टैलेंटेड होते हैं, उसको अच्छी तरीके से अगर सिखाया जाए उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ सकता है। हम लोगों का कोशिश यही रहता है कि बच्चे अपना अंदर का जो हुनर है वो बाहर निकालें, उसको और भी आनंद से करें। आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैलून बना रहा है, वो कोशिश कर रहा है। उनका उम्र बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, कितना सुंदर से रंग करने की कोशिश किया, वो ग्रीन कलर और रेड कलर का कम्बिनेशन में किया। ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं बच्चे लोग बढ़िया से मन लगा कर रहे, हाय बोल रहे, हेलो, बहुत बहुत खुशी हो रहा, उन लोगों को भी बहुत खुशी हो रहा। जितना भी छोटा छोटा लिटिल लिटिल मेरा जो आर्टिस्ट है उन सब का तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग
इस चैनल को देख रहे हैं, और आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बढ़ा दीजिए, ताकि मैं भी इंस्पायर हो सकूं दूसरे आर्टिस्ट का जैसा, और मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। मेरा बहुत इच्छा है कि हम बहुत सारे बच्चों को और अपना जो चित्रकला है, उनका जो टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकाले और आप उनको थोड़ा सा जगह दे पाएँ इस समाज में, ताकि वो भी अपना टैलेंट को दिखा पाए। इसमें आप सबका हेल्प चाहिए। क्या आप लोग हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हैं? प्लीज़ हमको हेल्प करिए और इन बच्चों को थोड़ा सा उत्साहित करिए। वो जब अपने आप को देखेगा, अपने आप को इस तरह से इस मुकाम पर पाएगा, तो उसका कितना खुशी, कितना आनंद आएगा, जिसमें आप सबका हेल्प के बिना संभव नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चे लोग ही किया है, और हम छोटा सा अपना जो स्कूल है उसमें गैलरी जैसे बना दिए हैं, ताकि बच्चा खुद अपना ड्राइंग को देखे, उनको समझे कि मैं भी कर सकते हूँ। देखिए कितना सुंदर से पेंसिल शेडिंग ये बच्ची ने किया है। इनका नाम त्रिशा है। ये पेंसिल शेडिंग बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि और भी है, बहुत क्यूट है ये लोग, और इतना खुशी से करता है, इतना आनंद से ड्राइंग बनाता है कि आपको हम बयान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पेंसिल शेडिंग बहुत सारे कुछ ड्राइंग हैं, कुछ ड्राइंग्स जो है जो बहुत लुभानीय है। इतना ऐसा छोटे छोटे बच्चे में इतना सुंदर, इतना टैलेंट अभी छुपा हुआ रहता है, आपको सिर्फ उसको ढूंढना है। बहुत सारा बच्चा है जिसका अलग 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 कैटेगरी है, अलग अलग उसका टैलेंट है। कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। तो पेंटिंग की जिम्मेदारी हम लिए हैं। हम जितना भी सारा चीज़ सीखे हैं, जाने हैं और रिसर्च किए हैं, वो सब आप हम इन बच्चों पे निछावर कर दिए हैं, ताकि बच्चा और खूबी से सीखें। देखिए कितना सुंदर वो काम किया है, लग रहा है सेम टू सेम है, बहुत अच्छा। इन बच्चों को आप बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, ताकि बच्चा और भी आगे बढ़ पाए और खुशियाँ ला पाए अपने जीवन में। चित्रकला रंगों का खेल है, हर जगह हम लोग रंग ही रंग पाते हैं। रंग के बिना ज़िंदगी बेजान लगता है। मेरा चैनल एकेडी आर्ट, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने खुद को बना लिया ताकि बच्चे थोड़ा देखें, इंस्पायर्ड हो। कितना सुंदर, कितना खूबसूरती से वो लोग अपना ड्राइंग को बनाता है, और जब वो देखता है खुद को, बहुत अच्छा लगता है। ये एक वॉल पेंटिंग है जो हम अपना वॉल में बनाए हैं। एक माँ उन बच्चों को अपने पीछे लेके जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वॉच किए हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।